ओके जी, जस्ट द रीकैप दैट वी डिड लास्ट डे, वो ये था कि हम बेसिकली लॉगिन यूजर का जो मेथड था, जब भी स्लैश लॉगिन पे कोई रिक्वेस्ट आती थी उस राउट पे हम उसको इसमें रीडायरेक्ट करते थे। इसके अंदर आगे हमने सबसे पहले क्या किया, रिक्वेस्ट बॉडी से पासवर्ड और ईमेल को रीड करके डिस्ट्रक्चर कर लिया। और फिर यहाँ हम ये चेक कर रहे हैं जी कि ईमेल, अगर यूजर ने ईमेल ना दिया हो या ईमेल की फील्ड खाली हो, तो हमने ये ग्लोबल एरर हैंडलिंग के जरिए ये एरर नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट मिडलवेयर का यूज करके ग्लोबल एरर हैंडलर की तरफ हमने ये मैसेज भेजा न्यू एरर। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है। द ओनली थिंग दैट वॉज नॉट वर्किंग फॉर अस इन द लास्ट क्लास, के जी हम ये जो कस्टम मैसेज जब प्रोड्यूस करते थे अपने ग्लोबल एरर हैंडलर के जरिए, दैट वॉज कॉजिंग द इशू। तो उसका फिक्स हमने जो लिया था वो ये था कि हमने सिर्फ एक नई लाइन इंट्रोड्यूस कराई थी, विच इज दिस वन। समहाउ हमारे इस एरर की डिस्ट्रक्चरिंग के बाद एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी उसमें नहीं थी, तो हमने एरर डॉट मैसेज, यानी इस ऑब्जेक्ट जो कि रिसीव हो रहा था उसकी मैसेज की प्रॉपर्टी निकाल के इसकी, यानी एरर की, क्योंकि एरर में बाकी प्रॉपर्टीज तो रहेंगी रहेंगी, साथ में हम एक नई प्रॉपर्टी डाल रहे हैं एरर डॉट मैसेज। ये उस केस में था जब हम कस्टम एरर बना के हैंडल में पास करते थे, अदरवाइज ये बाकी सारा काम एज इट इज ठीक कर रहा था। दिस वाज द ओनली स्टक इन द लास्ट वीडियो। और उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि जब हमने एक बना लिया तो बाकी सब ऐसे एज इट इज बनेंगे। तो हमने कहा जी कि अगर ईमेल यूजर ना प्रोवाइड करे तो एरर मैसेज दे दो, प्लीज प्रोवाइड ईमेल। फिर अगर पासवर्ड ना प्रोवाइड करे तो पासवर्ड का एरर दे दो। अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों यूजर ने दिए हैं तो फिर हमने डेटाबेस में जाके चेक करना है कि जो ईमेल यूजर ने दिया है क्या वो डेटाबेस में मौजूद है भी या नहीं, यानी इस ईमेल से ऑलरेडी कोई बंदा रजिस्टर हो चुका है। अगर हो चुका है, क्योंकि रजिस्टर हमने यूनिक रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल को यूनिक ही रखा हुआ, तो ये मेक श्योर है कि एक से ज्यादा सेम ईमेल से रजिस्टर नहीं होगा। तो अगर वो यूजर मौजूद है डेटाबेस में, तो इसका मतलब पहले हम ये चेक कर रहे हैं, ये डेटाबेस से यूजर फेच करके लाया, और फिर ये चेक कर रहे हैं कि अगर वो इस ईमेल के अगेंस्ट कोई यूजर नहीं मिला उसे, पहले हम एरर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूजर नहीं मिला तो ये मैसेज दे, यूजर विद दिस ईमेल नॉट फाउंड, प्लीज क्रिएट एन अकाउंट। और अगर मिल गया, यूजर भी मिल गया, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड भी हो गया, तो फिर ये चेक करना है कि उस यूजर ने जो पासवर्ड दिया है वो क्या उस पासवर्ड से मैच कर रहा है जो हमारे डेटाबेस में सेव्ड है। तो उसके लिए हमने कहा था कि बिक्रिप्ट एल्गोरिदम जो है, या बिक्रिप्ट की लाइब्रेरी जो है बिहाइंड द सीन, वो बिक्रिप्ट एल्गोरिदम को फॉलो करता है, कोई किसी न किसी एल्गोरिदम को। बिक्रिप्ट कौन से एल्गोरिदम को फॉलो करता है ये भी आप क्यूरी करके देख सकते हैं। बहरहाल, तो ये वन वे इनक्रिप्शन है, यानी इसमें एक दफा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया तो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, बल्कि बिक्रिप्ट की लाइब्रेरी ही में मौजूद कंपेयर का फंक्शन सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स देगा, पासवर्ड को ब्रेक नहीं करेगा, ना कोई कर सकेगा। तो हमने कहा था जी कि प्लेन पासवर्ड इसको चाहिए और दूसरा हैश्ड स्ट्रिंग चाहिए। तो जो डेटाबेस है मेरे पास आ रही है वो हैश्ड स्ट्रिंग है, और जो प्लेन पासवर्ड यूजर दे रहा है ये वाला, वो प्लेन है। दोनों को कंपेयर करके ये हमें या ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ट्रू फॉल्स दोनों जो भी आएगा वो हम इज मैच्ड में स्टोर कर रहे हैं, और फिर ये चेक कर रहे हैं कि इज मैच्ड के अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो इसमें ऑब्वियसली फॉल्स होगा, तो जब फॉल्स होगा तो फिर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, और ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट किया जाएगा। और यहां तक हमने कहा था जी कि हमारी ऑथेंटिकेशन जो का जो प्रोसेस है वो हो चुका है। अब हमने अगला काम करना है ऑथराइजेशन का, और ऑथराइजेशन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट टूडे। ये रिकैप था, आज हमने JWT टोकन पढ़ना है या ऑथराइजेशन पढ़नी है, और ऑथराइजेशन थ्रू JWT टोकन पढ़नी है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉट JWT टोकन इज, वट डज इट कंसिस्ट ऑफ, वट आर इट्स थ्री डिफरेंट पार्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, और इसकी जो स्ट्रेटेजी ऑथेंटिकेशन की वो क्या कहती है हमें। सो लेट्स टॉक अबाउट द JWT फर्स्ट। सो फॉर दैट गो अहेड, और अजान हो जाए तो फिर हम इसको जारी रखते हैं। और आपने कोई दवाई शवाई ली है? फरहान साहब, दवाई पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता हो गया, मतलब मैं कोई वो होम्योपैथिक भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर भी नहीं छोड़ा, हुकमा हजरात को भी नहीं छोड़ा, जो देसी टोटके होते हैं वो भी नहीं छोड़े, पता नहीं खांसी नहीं ठीक हो रही। आप मलट्टी और मोरिंगा का कावा पिए।
रात को मलट्ठी की वो जो होती है ना, वो जड़ सी रूट सी, उसको भी उसने किसी ने कहा था कि उसे शक करना है, तो वो भी रात को मुंह में रख रही है काफी देर तक। फिर किसी ने कहा था जायफल और शहद खालिस अगर हो तो जायफल को पीस के तो शहद के ऊपर, वो भी यूज किया है। फिर किसी ने कहा था शहद और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन, वो भी यूज किया बस फिर अब विस्की रह गई है। वो कहीं से मिल नहीं रही, नहीं तो वो भी ट्राई कर ले। एक मोरिंगा वाला ऑप्शन जो आप बता रहे हैं ना, ये आपसे पूछ लूंगा क्लास के बाद दोबारा, वो रह गया। तो JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन, और ये अगेन आप यहां से देख सकते हैं कि आर ओपन स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, RFC, जिसको शौक हो JWT की डेप्थ जानने का, वो इसके पीछे जो स्टैंडर्ड है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, कितना सिक्योर ये है, अगर इसको ब्रेक करना पड़ जाए तो कितना इसको रिक्वायर्ड टाइम है इसको ब्रेक करने के लिए, ये सारी चीजें इसकी JWT की स्टडी की जा सकती है। ठीक है, सो सर्टिफ सॉरी क्राफ्टेड बाय ऑथ जीरो, मतलब ये एक बड़ा फेमस ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, ये उसने इसको क्राफ्ट किया है। बाय डिफॉल्ट ये एल्गोरिदम यूज करता है HS256। आप जब भी कोई इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी एक पूरी फील्ड है इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए ऑनलाइन, तो कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज होता है बेसिकली। तो ये बाय डिफॉल्ट HS256 एल्गोरिदम यूज होता है। अगर आपको ये पता करना है कि HS256, यानी ये इससे ये पता चलता है कि इस एल्गोरिदम को ब्रेक करने में कितनी एफर्ट और कितना टाइम दरकार है और कितने स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज दरकार हैं। अगर आपको ये डाउट है कि ये पासवर्ड मेरा सिक्योर है, ऑथेंटिक है, क्या है वगैरह वगैरह, तो आप इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्शन है वो एनी ऑफ दीज एल्गोरिदम्स को यूज करके हो, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब तब आपको काम आएगी जब आप डेफिनेटली इसकी डेप्थ को समझ पाएंगे। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ही ठीक है, वी आर गुड टू गो विद। जब भी JWT टोकन की बात करेंगे ना, तो उसमें तीन हिस्से होंगे। एक ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, दूसरा ये पता नहीं पिंक है क्या है, पर्पल वाला दिख रहा है आपको, और कलर मेरे थोड़े कमजोर है, और तीसरा ये जो ब्लूइश सा या ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये तीन इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फर्स्ट रेड पार्ट है ना, ये क्या शो करता है, मेटा डेटा के एल्गोरिदम में, मिसाल के तौर पे यानी कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहा है और टाइप क्या है इसकी JWT, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है वो इसका पेलोड शो करता है। अच्छा, ये पेलोड क्या है, बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं उसको हम पेलोड कहते हैं। हमारा अपना डाटा जो हम इनक्रिप्ट करके कहीं भेजना चाहते हैं, कहीं सेव करना चाहते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, पेलोड कहेंगे। तो एल्गोरिदम में पहला पार्ट जो होता है वो बेसिकली उस एल्गोरिदम की इंफॉर्मेशन को शो करता है, टाइप और एल्गोरिदम क्या है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पेलोड को शो करती है, यानी जो डाटा हम इनक्रिप्ट करना चाहें। और तीसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका सिग्नेचर। इसकी मिसाल बिल्कुल यूं है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, फॉर रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स सिक्योरली बिटवीन टू पार्टीज। अब दो पार्टीज जब क्लेम करती है ना, मैं कहता हूँ जी कि आप और मैं कोई आपस में मुआहिदा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम किसी पेपर पे या किसी बैंक के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप किसी पेपर पे कोई इन्फॉर्मेशन लिख कर उस पे एक्सचेंज करेंगे दोनों। लेकिन वो क्या ऑथेंटिसिटी होगी कि ये ओरिजिनल है, ये क्लेम आपका ओरिजिनल है या नहीं है, तो उसके ऊपर बैंक के स्टैंप और क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। और बैंक के स्टैंप और सिग्नेचर से ये ऑथेंटिसिटी होगी कि ये क्लेम जो है वो जेन्यन है, इसमें कोई डुप्लीकेशन या कॉपी नहीं है। सिग्नेचर्स को डुप्लीकेट करना थोड़ा सा टाइट होता है अगर उसकी वेरिफिकेशन हो तो। ये बेसिकली ये जो आखिरी पार्ट है ना, वी कैन क्लेम इंफॉर्मेशन या वी कैन एक्सचेंज द डेटा, ये वाला, लेकिन क्या ये ऑथेंटिक या इसकी ऑथेंटिसिटी या सिक्योरिटी क्या हो, कहाँ से आती है, वो इन सिग्नेचर से आती है। तो आखिरी पार्ट जो JWT इनकोडिंग का है वो क्या होता है, बेसिकली सिग्नेचर होता है। और सिग्नेचर कैसे बनता है, आपका जो हेडर पार्ट होता है विच इज दिस वन, ये हेडर पार्ट है, और आपका जो पेलोड होता है, इन दोनों को Base64 URL इनकोड करें, यानी ये Level 1 इनक्रिप्शन, फिर इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट करें, और फिर आप अपना यहाँ सीक्रेट भी दे सकते हैं, सीक्रेट कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे आपको। तो सिग्नेचर कैसे बनता है, आपका हेडर, पेलोड, और फिर जो सीक्रेट की देते हैं उनसे मिलके, ये तीनों चीजें मिला के एक इस तरह का इंक्रिप्शन कोड बनाता है जिसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। गॉट इट? बहरहाल ये बेसिकली
JWT की इनफ डिटेल नहीं है, आप JWT को लाजमी सिर्फ JWT को जाके इंटरनेट पे या यूट्यूब पे खोल के मजीद, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, पाथ दे दिया, आप इसको जाके सर्च करके इसकी डिटेल देखेंगे। हम सिर्फ यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसको यूज करेंगे। ऑब्वियसली इसकी डेप्थ, ये क्रिप्टोग्राफिक डिटेल काफी लंबी चौड़ी हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली JWT टोकन यूज करेंगे या JWT टोकन प्रोड्यूस करेंगे। अब द आइडिया इज कि JWT के साथ ऑथराइजेशन कैसे होगी। जो हमारी एप्लीकेशन है ना, हमारे पास एंड पॉइंट्स है और हम किसी भी एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो हमारे पास वो एंड पॉइंट के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोज होनी होती है वो हमारे पास आ जाती है। पर अभी तक हमने कोई भी ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बनाई जो कि सिक्योर हो। अभी तक हम जिसको भी अपना एंड पॉइंट देंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दें, जो भी बंदा उस एंड पॉइंट को हिट करेगा उसके पास डाटा आ जाएगा। मीन्स देयर इज नो सिक्योरिटी, हमने ऐसी कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की नहीं है। द आइडिया बिहाइंड दिस सीन इज, अब हम ये काम करने लगे हैं और इसका आइडिया ये होगा कि मिसाल के तौर पर मेरा एक एंड पॉइंट है जी के डिलीट यूजर, दिस इज अ सेंसिटिव ऑपरेशन, हर बंदे को ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ये डिलीट प्रोडक्ट समथिंग लाइक दैट, एनी रिसोर्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर इज अ सेंसिटिव ऑपरेशन दैट शुड नॉट बी परमिटेड ओपनली टू एवरीबडी। रादर डिलीशन की परमिशन किसको होनी चाहिए, एडमन को होनी चाहिए, और एडमन कौन बंदा होता है जिसको हम ऑथराइज करते हैं। अब द आइडिया इज कि हम आज के बाद जब कोई रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो जितने भी सिक्योर रिसोर्सेज होंगे उन सिक्योर रिसोर्सेज को हम ऐसे प्रोटेक्ट या ऐसे डिजाइन करेंगे कि जब भी API की रिक्वेस्ट आएगी तो API की रिक्वेस्ट साथ में एक टोकन लेके आएगी। ठीक, अब हमारी वो जो API एंड हम एक मिडलवेयर लिखेंगे और उस मिडलवेयर का काम सिर्फ ये होगा कि वो क्या चेक करे कि इस रिक्वेस्ट के पास टोकन है या नहीं है। अगर उसके पास टोकन होगा तो इसका मतलब ये बंदा ऑथराइज्ड है, इसको ये रिसोर्स दे दो, और अगर उसके पास टोकन नहीं होगा तो ये बंदा ऑथराइज नहीं है, उसको एक्सेस ना दो। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि कल मैंने मिसाल दी थी कि कोई सेंसिटिव इदारा है, आप उसके अंदर इंटर हो जाते हैं या इनफैक्ट आपकी स्क्रूटनी होती है, सिक्योरिटी चेक होता है और आप अंदर चले जाते हैं। अब उस इदारे के अंदर मिसाल के तौर पर 10 से 20 डिपार्टमेंट्स हैं, आपने आपको किसी जनरल से या किसी मतलब हायर ऑफिशियल से मिलना है तो आपने उसकी अपॉइंटमेंट ली होगी और अपॉइंटमेंट में आपने सिर्फ उस पर कोई भी टिकट या टोकन या कार्ड उस पर लिखा होगा जी कि इसको सिर्फ फलां डिपार्टमेंट में जाने की इजाज़त है। तो इसका मतलब है कि आप अथेंटिकेट होगे, बिल्डिंग के अंदर तो दाखिल होगे, अब अंदर जिस बिल्डिंग में जाएंगे हर एक बिल्डिंग में आगे वो बंदा चेक करेगा कि आप किससे मिलना है जी, हाँ आपके पास कोई टोकन कोई, तो वो एक टोकन का मतलब वो एक कार्ड समझ लें कि जो अगर वो उसके पास टोकन है तो वो टोकन दिखाएगा अपॉइंटमेंट वाला, तो कहेगा जी ठीक है आप जा सकते हैं बिकॉज यू आर ऑथराइज, और अगर उसके पास टोकन नहीं होगा तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा जी कि आप ठीक है लॉगिन है, आप एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं लेकिन आप किस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 10 एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि हम 3 एंड पॉइंट्स को प्रोटेक्टेड कर लें और वो एंड पॉइंट्स तभी एक्सेस होंगे जब आपकी रिक्वेस्ट में क्या होगा, टोकन होगा। तो अब हम जो टोकन 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 कर रहे हैं ना, अब पहले टोकन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब फिर आपका सवाल ये जहन में आ सकता है जी कि टोकन आएगा कहाँ से। अब टोकन जब यूजर फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेट होगा ना, तो अगर यूजर ऑथेंटिकेशन यानी जाहिर है टोकन की जरूरत तो अंदर जाके होगी ना, बाहर ही तो टोकन की जरूरत नहीं होगी, बाहर तो पहले आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, आपकी सिक्योरिटी क्लियर नहीं है तो आपको तो अंदर ही नहीं जाने देगा, ऑथराइजेशन तो बाद की बात है। तो जब हम यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं, जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है, कन्फर्म होता है कि पासवर्ड भी ठीक है, ईमेल भी ठीक है, सब कुछ ओके है, तो फिर दिस इज द पॉइंट जहां पे हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करेंगे और इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वो टोकन हम यूजर को दे देंगे, यार आप लॉग इन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो चुके हो, ये लो आपका टोकन है। अब इस टोकन को इस्तेमाल करके आप प्रोटेक्टेड राउट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला काम क्या करना है, टोकन जनरेट करना है, और जब यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो फिर हम उसे क्या करेंगे, ऑथराइजेशन टोकन भेजेंगे, वो ऑथराइजेशन टोकन हमारा क्लाइंट अपने पास महफूज रखेगा, और फिर अगली जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम एक मिडलवेयर लिखेंगे, वो मिडलवेयर का काम क्या होगा, हर रिक्वेस्ट में एक चीज चेक करेगा कि इसके पास टोकन है या, अगर टोकन है तो वो रिसोर्स को एक्सेस करने देगा और अगर नहीं है तो उसको प्रिवेंट कर देगा, नहीं एक्सेस करने देगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट जनरेटिंग JWT टोकन। ये सारी फिलॉसफी थी जो मैंने आपको थियोरेटिकली समझा दी। सो अब आप कहेंगे जी JWT NPM, JWT की वेबसाइट अलग है, यहाँ से आपने इसकी थ्योरी या बाकी सारी डिटेल पढ़नी है ये पढ़ सकते हैं।
सो वी विल यूज विल बी यूजिंग इट्स इट्स लाइब्रेरी विच इज दिस वन. इसका यूजेज देख लें, 1 करोड़ 14 लाख, 1 करोड़ 14 लाख पर वीक डाउनलोड्स. तो इट्स प्रीटी मच पॉपुलर. ठीक है, सो सबसे पहले एज यूजुअल हमने इसको करना है, ये वही है जो मैंने आपको जीडब्ल्यूटी की वेबसाइट से दिखाई है, सिर्फ उसका एनपीएम ऑफिशियल पैकेज है और अ मंथ अगो ये पब्लिश हुआ है, यानी अपडेट हुआ है. इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली अपडेट भी हो रहा है. सो नाउ मूविंग बैक टू द साइट, और यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं जी, अपना बैकएंड के अंदर एनपीएम इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, या JWT से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लाइब्रेरी का नाम जेसन वेब टोकन है. जब हमने इंस्टॉल कर ली, एवरीथिंग इज डन विद विदाउट एनी एरर, तो सबसे पहले हमें एज यूजुअल जैसे किसी भी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, JWT को इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड और हम यहाँ पे करते हैं जी इम्पोर्ट JWT फ्रॉम वॉट जेसन वेब टोकन. और अब आपको पता है हम लाइब्रेरीज यूज करते हुए करने के आदि हो चुके हैं, अब तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि JWT एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीक्रिप्ट जेएस का एक कंपेयर फंक्शन था, एक हैश फंक्शन था, इसी तरह JWT के अंदर भी क्या एक फंक्शन है विच इज टर्म्ड एज साइन. और मैंने कहा था कि JWT फंक्शन में ना तीन चीजें होती हैं, पहली चीज क्या होती है मेटाडेटा, दूसरी चीज उसका पेलोड और तीसरी चीज उसकी सीक्रेट की या सिग्नेचर. क्या नहीं, सिग्नेचर तो वो खुद बनाता है ना, सिग्नेचर वो खुद बनाता है तीनों चीजों को मिला के, हमने तीसरी चीज क्या देनी है, सीक्रेट की. अच्छा याद रखिएगा कि जब आपने इट्स लाइक अ लॉक, आपको पता है कि आजकल के लॉक ऐसे होते हैं कि जिस चाबी से लॉक लगता है सिर्फ उसी चाबी से लॉक खुलता है, असली लॉक की बात कर रहा हूँ, चाइना के नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सीक्रेट की है ना, ये यूं समझ लें कि ये की है, ये चाबी है उस लॉक को खोलने के लिए. तो इसका मतलब है कि जिस की से आप उसे लॉक करेंगे उसी की से आप उसे अनलॉक करेंगे, तो ये सीक्रेट की है भैया. तो करंटली यहाँ पे JWT साइन में ये दो चीजें पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट विच इज मेटाडेटा, सॉरी विच इज पेलोड, और दूसरा सीक्रेट की. तीसरा ऑप्शनल है, आप पास कर भी सकते हैं, और अगर नहीं पास करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है ना एल्गोरिथम, वो डिफॉल्ट उठा लेगा और वो डिफॉल्ट पहले से सेलेक्टेड होता है. पहली पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप तीनों चीजें दे दें, पेलोड, प्राइवेट या सीक्रेट की, और एल्गोरिथम की इंफॉर्मेशन, वो जो मेटाडेटा है, अगर आप खुद चेंज करना चाहते हैं वो खुद डिफॉल्ट उठा लेगा. दैट्स व्हाट इट इज डूइंग. ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम करते हैं और फिर ये IAT एक ये देता है फ्लैग जिसको इशूड एट, IAT का मतलब इशूड एट, ये टोकन कब जनरेट हुआ. अच्छा नॉर्मली पता है क्या करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी सिक्योरिटी इदारे में आप ऐसा टोकन जनरेट कर लें जो हमेशा के लिए वैलिड रहे. मतलब आपने किसी प्रेसिडेंट से मिलना है और आप प्रेसिडेंट के दफ्तर में जाते हैं और बाहर से आपको एक टोकन इशू होता है और आपके लाजमन, अगर आपने कभी प्रेसिडेंट से मिले हो, मेरा इत्तफाक हुआ है प्रेसिडेंट से मिलने का, तो लाजमन आपको कोई जो पास इशू होता है ना उसकी वैलिडिटी होती है कि ये 3 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, क्या शाम को यही पास लेके आएंगे तो आप अंदर नहीं जा सकते, या 24 घंटे बाद यही पास लेके आएंगे, हालांकि अथेंटिक है, प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से इशू हुआ हुआ है लेकिन उसकी अथेंटिसिटी होगी. समझ आई बात. तो इसका मतलब यह है कि आप एक हसास इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो JWT जो टोकन जनरेट करेंगे वो ऐसा टोकन जनरेट नहीं करेंगे कि वो हमेशा के लिए वैलिड रहे, उस टोकन की एक एक्सपायरी डेट भी सेट करेंगे कि ये इस वक्त इशू हुआ है और इस वक्त एक्सपायर हो जाएगा. अगर हमेशा के लिए JWT अब वैलिड हो जाए ना, तो फिर तो जब आप लॉग इन हो और आप सिस्टम छोड़ के लॉग इन होकर कहीं चले जाएं और 3 दिन वापस आए तो किसी और के हाथ सिस्टम लगा हो तो वो साहब अपना सारा काम दिखा चुके. तो मतलब कहने का ये कि आप टाइम, यस टाइम खुद सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद वो टोकन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है और वो टोकन यूजेबल ही नहीं रहता. फिर इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की. फिर रिफ्रेश टोकन करें, यानी ये भी कर लें कि आप हर 5 सेकंड के बाद, या हर 5 सेकंड तो बहुत कम टाइम है, हर 5 मिनट के बाद टोकन रिफ्रेश कर लें.
अगर किसी हैकर या मलिशियस यूजर के पास एक्सेस चली भी गई तो 5 मिनट बाद वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, और 5 मिनट बाद वो फिर अथेंटिसिटी हो। ये जो इस पे सवाल नहीं ले सकता बिकॉज इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको पढ़ना और सीखना और इम्प्लीमेंट करना है, तो अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट क्योंकि अभी हमने JWT टोकन बनाया नहीं है, सॉरी आप। तो इन इन बातों में हम काफी सारी बहस कर सकते हैं फ्यूचर में। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक JWT टोकन साइन करेंगे, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा था इशू डेट, तो मैंने कहा साथ में ये भी बता दूं कि एक्सपायरी भी होती है, ये टोकन एक्सपायरेशन अगला टॉपिक भी है कि आप जब टोकन साइन करेंगे तो साथ में EXP का एक फ्लैग देंगे और उसमें कोई टाइम देंगे। देखें, साइनिंग अ टोकन विद 1 आवर ऑफ एक्सपायरेशन, कि आप एक टोकन साइन करें जिसकी एक्सपायरी डेट क्या रख दें 1 आवर, और 1 आवर जब से आप टोकन जनरेट करेंगे उससे ऑटोमेटिकली वो 1 आवर कैलकुलेट करेगा, और देन सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। ठीक है, बट फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, बल्कि कोई एक्सपायरी वाला करते हैं साथ में उसकी एक्सपायरेशन डेट भी। ये दोनों तरीके हैं, साइनिंग टोकन विद 1 आवर ऑफ एक्सपायरेशन, और अनदर वे टू जनरेट टोकन लाइक दिस विद दिस लाइब्रेरी इज कि आप सबसे पहले क्या करें, ये सीक्रेट भी दें और साथ में एक्सपायर्स इनका ये फ्लैग भी दें। ठीक है, सो नाउ हम ये वाला काम करते हैं जी, इवन बेटर। JWT साइन, ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये क्या है हमारा पेलोड, सेकंड जो है वो हमारा क्या होगा सीक्रेट, और जो थर्ड होगा हमारा वो क्या होगा, यानी अगर हम ये नहीं देते एल्गोरिदम, अगर एल्गोरिदम देते हैं तो ये थर्ड होगा और फोर्थ में एक्सपायरी डाल जाते रहे। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा बेसिकली कि आपका ये टोकन जनरेट होगा और ये टोकन 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा, और अगर आप यूं भी दे सकते हैं 1 घंटा, और आप यूं भी दे सकते हैं 60 × 60 बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 60 × 60 वो और में ही बनता है। ठीक है, सो नाउ हम सिर्फ ये वाला काम करेंगे, और सॉरी यहां से ये वाला काम करेंगे, और यहां पे जाके हम सिंपल ये काम करेंगे। और अब सवाल ये है कि सबसे पहला पैरामीटर हमने क्या देना है, डेटा देना है, और हम उस डेटा में क्या देंगे, अपना जो वैलिड यूजर है उस यूजर को आप क्या दे दें, वो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हमने क्या दे दिया अपना पूरा यूजर। अब जो बंदा भी लॉगिन होगा उसका डेटा JWT में इनक्रिप्ट हो जाएगा। आप अपने सिस्टम से लॉगिन होंगे तो जब ये लाइन चलेगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ना इस यूजर में, तो आपका डेटा इनक्रिप्ट होके, यानी आपका डेटा इन बाकी चीजों से मिलके इनक्रिप्ट होके हमारे पास आ जाएगा, और हमें क्या रिटर्न करेगा, एक टोकन। लेट्स सपोज मजाकी बात, सो अब हम इसको जरा सा सिमुलेट करते हैं ताकि उसके बाद हम आगे चलेंगे। रेस डॉट जेसन, टोकन की वैल्यू अगर सेम है तो आपको पता है कि ऐसे लिख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सो जो टोकन, यानी जब सब कुछ ठीक हो गया, टोकन जनरेट हुआ, जब टोकन जनरेट हुआ तो टोकन जनरेट होने के बाद वो किधर चला गया, वापस यूजर के पास, और उस टोकन में क्या हुआ, यूजर की इंफॉर्मेशन सीक्रेट की अभी नहीं दी, और एक्सपायर्स इन 1 आवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्रेट की। सीक्रेट की कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि वो की ऐसी होनी चाहिए जो, मतलब जाहिर है वो आपको भी याद रखने की खैर जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक फाइल सेपरेट बनाते हैं एक एनवायरमेंट वेरिएबल्स की, तो उसमें हम उसको सेव कर लेंगे। बहरहाल इट कैन बी एनी, इट शुड नॉट बी द सिंपल की, इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस अपर केस और समथिंग, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग। तो हम बना लेते हैं जी यहाँ से सीक्रेट की, दिस 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 दिस, जी जी सेम रहेगी सेम रहेगी, हालांकि चाबी चेंज थोड़ी होती है, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, तो हम ये कर लेते हैं जी, ये हमारी सीक्रेट की बन गई। तो अब हम ये देखते हैं जी कि हमारा टोकन आता है या नहीं आता। सो लेट्स टॉक अबाउट अब हम यहां से जाते हैं लॉगिन करते हैं, और लॉगिन के लिए हमें पता है कि हमारी वैलिड इन्फॉर्मेशन ये harris@gmail.com, और अगर सब कुछ ओके है तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक
जे सन टोकन और उसकी शक्ल वैसी ही होनी चाहिए जैसे हमने अभी देखी है JWT की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। और ये कह रहे जी कि पेलोड टू बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। अच्छा, पेलोड प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? यूजर ऑब्जेक्ट नहीं है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जी कि हम जो मोंगू का डॉक्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, मोंगू का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट, इसीलिए तो हमने ODM यूज किया था ना, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। तो यहाँ यूजर में क्या आ रहा है? मोंगू का। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस यूजर को हम यू करते हैं और हम करते हैं जी के यूजर दिस, ठीक। नाउ लेट्स सी इफ इट इज गॉट इट। अब हमने वो रैपर लगा के उसको अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, तो की का नाम हमने टोकन रखा और वैल्यू में ये ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, ये जो हमें आपके पास रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट आया ना, वो ये आया है टोकन, यानी ये यू है टोकन और टोकन की वैल्यू। ये जो चीज हमने बनाई है ना, ये कहीं आई नहीं है, ये सिर्फ JWT को रिक्वायर्ड था कि डॉक्यूमेंट ना हो मेरे पास, प्लेन ऑब्जेक्ट हो। तो ये सारी चीज उसके अंदर ही क्या हो गई है, एम्बेड हो गई है, ठीक है। ये एम्बेड होके इनक्रिप्ट हो गई है। तो अगर आप देख लें तो ये फर्स्ट पार्ट क्या होगा, डॉट से पहले, दैट इज काइंड ऑफ हेडर। सेकेंड पार्ट यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, पेलोड। और थर्ड पार्ट क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया। सो दैट्स प्रीटी मच। तो किसको? नहीं, इनक्रिप्शन के लिए सीक्रेट की उसने यूज की है, यानी उसने ये की इस्तेमाल करके इनक्रिप्ट किया है। तो अब जब हम इसे डिक्रिप्ट करेंगे ना, डिक्रिप्ट तो होगा नहीं, वन वे अगेन, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते वक्त भी हमें यही सीक्रेट की देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था अनलॉक, अभी मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को लॉक कर दी, यानी यू समझे कि मैंने जो करंटली लॉक्ड इन यूजर है उसको इनक्रिप्ट करके बक्सा बंद करके ऊपर से ताला लगा दिया और चाबी मेरे पास। अब जब खोलूंगा तो इसी चाबी से इस बॉक्स को खोलूंगा, इसके अंदर से पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर डाला है वो इससे बाहर निकालूंगा। ये काम करेगा हमारा मिडलवेयर कि हर रिक्वेस्ट को वो चेक करेगा कि इस रिक्वेस्ट में टोकन है या नहीं है, और वो टोकन को चेक करेगा। अगर वो उसे टोकन मिलेगा तो इस टोकन में से यूजर इनकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा और फिर उसको कहेगा अच्छा ये यूजर लॉगिन हुआ है। जैसे आप जीमेल में लॉगिन होते हैं ना, तो ऊपर टॉप राइट पे शो हो रहा होता है, यूजर की इन्फॉर्मेशन नहीं शो होती, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल। तो अब ये सारा कुछ किधर पड़ा हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर टोकन के अंदर। समझ आ गई बात? यूं समझ लें कि आपको जो कार्ड इशू होता है उस कार्ड में आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपका एड्रेस, आपका CNIC सारा कुछ मौजूद नहीं होता। ये वही कार्ड वाली सिमुलेशन हो गई ना यहाँ पे। और हो सकता है कि वो सारा कुछ कार्ड पे लिखा ना हो, वहां पे एक बार कोड हो, उस बार कोड के अंदर सारा कुछ मौजूद हो, ये भी वही हिसाब है। तो एनीवेज, ये हमने टोकन जनरेट कर लिया। अच्छा, अब दो के दिस इज, यानी इसमें मैं कुछ मजीद मॉडिफिकेशन करनी है इस काम में, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अब एक मिडलवेयर बना लूं ताकि वो मिडलवेयर क्या करे, इसको टोकन को चेक कर लें वापस, इसमें आकर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मुझे करनी है स्पेसिफिकली, या HTTP ओनली कुकी को ट्रू करना है और फिर वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, यूजर लॉग इन हुआ, ऑथेंटिकेट होने के बाद उसने टोकन जनरेट किया और टोकन उसने क्लाइंट पे भेज दिया। अब सवाल ये है कि क्लाइंट में हमें टोकन किसी ऐसी जगह पे सेव करना है जहां पे किसी को पता ना लगे, क्योंकि टोकन इज अ सेंसिटिव थिंग, और टोकन दो के इनक्रिप्टेड है, उसके बावजूद हमने इसको ऐसी जगह पे सेव करना, क्योंकि क्लाइंट एंड पे ना, और क्लाइंट तो एक्सपोज्ड होता है, सर्वर प्रोटेक्टेड होता है ना, क्लाइंट तो एक्सपोज्ड होता है। तो पहला सवाल आपके जहन में ये आ सकता है जी कि टोकन सर्वर भेज रहा है तो इसे सेव करने की जरूरत क्या है, यानी क्लाइंट पे हम क्यों सेव करें। तो मैं अभी जो आपको मॉडल समझा रहा था वो ये था कि जब आप एक दफा ऑथेंटिकेट हो गए, सर्वर ने टोकन जनरेट करके क्लाइंट पे भेज दिया, तो अब अगली हर रिक्वेस्ट के साथ हमने टोकन वापस भेजना है। टोकन भेजेंगे तो प्रेसिडेंट हाउस में अंदर जाने देगा, अगर टोकन नहीं होगा तो कहेगा भाईजान तू तो बंदा ही ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, तेरे पास तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तू तो ऑथराइज्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमने हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन को भेजना है।
अब टोकन को हर रिक्वेस्ट के साथ तभी भेज सकेंगे जब टोकन हमारे पास कहीं सेव होगा, मतलब सिर्फ टोकन होना काफी नहीं है, टोकन कहीं सेव होना भी काफी, सेव होना भी जरूरी है। तो अभी जो मैं टोकन भेज रहा हूँ वो तो कहीं सेव नहीं हो रहा, वो तो सिंपल रिस्पॉन्स में आ रहा है। ठीक, तो मैं सर्वर पे, अच्छा टोकन सेव करने के दो तीन, मतलब डजन ऑफ तरीके हैं, दो तीन भी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमने सबसे सिक्योर और पॉसिबल वे यूज करना है टोकन को सेव करने का, और वो सबसे पॉसिबल और सिक्योर वे है HTTP ओनली कुकीज, कुकी कुकी यूआरएल में नहीं, कुकी नहीं सुना ना, जिस तरह ब्राउजर की लोकल स्टोरेज होती है ना, सेशन स्टोरेज होती है ना, इसी तरह ब्राउजर में एक स्टोरेज होती है कुकी। ठीक, तो अब क्योंकि हम ब्राउजर यूज नहीं कर रहे, हम तो पोस्टमैन यूज कर रहे हैं, तो पोस्टमैन में ये कुकी वाला सेक्शन है जहां हमें नजर आएगा, जब ब्राउजर यूज करेंगे तो ब्राउजर की कुकीज में ये सेट हो जाएगा। अब सवाल ये है जी कि क्या कुकी सिक्योर होती हैं या नहीं होती, तो याद रखिएगा कि HTTP ओनली कुकी, कुकी की भी मुख्तलिफ टाइप्स है, HTTP ओनली कुकी को सर्वर सेट करता है और सर्वर ही मैनिपुलेट कर सकता है, क्लाइंट की एक्सेस या किसी स्क्रिप्ट की एक्सेस HTTP कुकी को नहीं हो सकती। ठीक है, सो लेट्स, अब हम ये एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगे हैं, और वो स्ट्रेटेजी कौन सी है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को क्लाइंट साइड पे HTTP ओनली कुकी बल्कि हम तो वैसे सिर्फ HTTP ओनली कुकी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि हाउ टू स्टोर अ JWT टोकन Inside an HTTP only cookie, this is the secure way of storing the cookie on the client side. Otherwise, local storage में भी cookie save कर सकते हैं, session storage में भी cookie save कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का अपना अपना नुकसान या फायदा है। तो हम क्या करेंगे, जो strategy use करेंगे वो है हमारी HTTP only. Dealing with cookies has their fair share of sub, पता नहीं क्या, but a high level cookie is a piece of data that your web server can set. पहली चीज, कुकी को कौन सेट कर सकता है, वेब सर्वर। अच्छा कुछ कुकीज हैं जो HTTP ओनली नहीं होती हैं, उनको क्लाइंट भी सेट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए सेट भी कर सकते हैं, फिर हैकर उसको जावास्क्रिप्ट या क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख के उसको हैक कर सकते हैं। जो सर्वर कुकी सेट करता है ना HTTP ओनली, वो बेसिकली मुश्किल होती है यूजर सक्सेस करने की। ये पूरी इंटायर थ्योरी है उसके बिहाइंड द सीन, आप इसको दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। हम स्ट्रेट अवे यूज कर रहे हैं जी कि आप कुकीज को सर्वर से कैसे सेट करते हैं। ये है जी JWT.sign, इसने ये बेसिकली डेटा दिया या पेलोड दिया, ये उसने सीक्रेट दिया, और ये उसने दिया ये, और अच्छा इसने बेसिकली वही रिफ्रेश टोकन जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जिक्र भी हुआ था कि टोकन रिफ्रेश भी होता, हम अभी रिफ्रेश टोकन पे नहीं जा रहे, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, हम ये करेंगे रेस डॉट कुकी और टोकन नेम न्यू टोकन HTTP ओनली ट्रू और दिस। तो हम ये काम यूज करेंगे कि हम टोकन जनरेट कर चुके हैं, टोकन जनरेट करके रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। अब जैसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन का फंक्शन है ना, वैसे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है रेस के अंदर ही, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज। ठीक है, लेट मी डू दिस, रेस डॉट कुकी, जिससे हम लोकल स्टोरेज में इंफॉर्मेशन सेव करते हैं ना की वैल्यू पेयर में, कुकी भी इसी तरह की वैल्यू पेयर में इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ठीक, यस, तो कुकी में क्या देते हैं जी, ये तीन चीजें लेता है, नेम, वैल्यू और ऑप्शंस। नेम और वैल्यू तो पता लग ही गया कि नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में क्या क्या हो सकता है, मैक्स एज इन मिली सेकेंड, कन्वर्टेड टू एक्सपायर्स, और साइंड साइन द कुकी, और पाथ डिफॉल्ट टू दिस। खैर ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा तो पता लगेगा, फिलहाल हमारा कंसर्न क्या है, नेम, और कुकी की का नाम कुछ भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो मैंने अभी टोकन बनाया ये बना, और यहां इसके मुताबिक अगर आप देखें तो की वैल्यू और साथ में एक ऑब्जेक्ट दे दें, और उस ऑब्जेक्ट में सेट कर दें क्या,
फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ HTTP only true, मिनिमल फीचर यूज कर रहा हूँ कि पहले हम इसको फंक्शनल कर लें फिर। तो अब रिस्पॉन्स डॉट कुकी क्या करेगा, सर्वर साइड से होते सर्वर साइड पे रहते हुए आपके क्लाइंट में जाके कुकी में ये टोकन स्टोर कर देगा विद दिस की। और ये जो HTTP only फ्लैग है दैट इज फॉर द सिक्योरिटी रीजन, अगर HTTP only का फ्लैग ट्रू होगा तो कोई स्क्रिप्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अच्छा, अब चूंकि रिस्पॉन्स नहीं जा रहा तो ये हॉल्ट हो जाएगा। आपको पता है रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ना मिले तो रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाती है। उसके लिए आप इसके साथ चेनिंग कर लें और इसके साथ कर लें जी जेसन, और आप वो यूजर भेज दें इसको। फिलहाल आप कुछ भी ना भेजें, सिंपल मैसेज भेज दें, यानी कोई ना कोई रिस्पॉन्स भेजें, वो ब्लॉक ना हो। अब यूजर के पास वापस यूजर जाएगा, लेकिन टोकन यूजर के साथ के पास रिस्पॉन्स में नहीं जाएगा। टोकन किस में जाएगा? कुकी में जाएगा। अच्छा, कुकी में टोकन सेट करने का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि कुकी में मौजूद डेटा हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली आता है। हमने क्या बोला था कि हमने टोकन हर रिक्वेस्ट के साथ सेंड करने और इधर एक मिडलवेयर लगा देना है। उस मिडलवेयर ने क्या चेक करना है, टोकन है या, और अगर टोकन है तो प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस दे देगा, और अगर टोकन नहीं है तो प्रोटेक्टेड रिसोर्स को। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें टोकन साथ मैनुअली भेजना पड़ेगा, जो कि हेडेक है। तो कुकी में अगर हमने टोकन रखा हुआ है ना, तो कुकी की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे जाती है। समझ आ गई बात? तो अब हमें मैनुअली टोकन भी सर्वर पे भेजने की जरूरत। अगर हमारा ये सक्सेसफुली स्टोर हो गया टोकन, तो हमारा काम ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक एक्सपायरी हमने दी है ऊपर टोकन की, एक एक्सपायरी कुकी की भी होती है। फिर कुकी में भी डेटा परमानेंट स्टोर, बिकॉज दिस इज द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स। तो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यार ये कुकी इतने टाइम के बाद खुद ही एक्सपायर कर दो। ठीक, अच्छा उस पर भी आते हैं बाद में। मैंने आपको कहा ना कि ऑथेंटिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट और वन ऑफ द डेलिकेट थिंग्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि इसमें हर चीज की बड़ी एहतियात और केयर रखनी पड़ती है। और फिर ये चीजें, किस चीज को कितना टाइम आउट देना है, किस चीज के लिए क्या 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 सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज द बिजनेस डिसीजन। जो बिजनेस ऑनर होते हैं वो ये डिसीजन करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन इस वे से सिक्योर है या नहीं है, और ये प्रॉपर सारी स्ट्रेटेजी। खैर, अब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी कुकी खाली है और मेरी बॉडी में ये रिस्पॉन्स की बॉडी है, ये रिक्वेस्ट की बॉडी है, रिस्पॉन्स की बॉडी में टोकन आ रहा है। अब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो रिस्पॉन्स की बॉडी में नॉर्मल यूजर आएगा, और कुकी की बॉडी में या कुकी के अंदर क्या आएगा मेरे पास, टोकन आएगा। अब जरा यहां से अगर सक्सेसफुल होता है सब कुछ तो आई विल हैव एवरीथिंग। रिस्पॉन्स में मेरे पास यूजर आया, और जब कुकी की बात हुई तो कुकी में की का नेम क्या था, टोकन, और की की वैल्यू में टोकन आ गया। डोमेन कौन सी थी, लोकल होस्ट, पाथ ये, सेशन एक्सपायर्स सेशन, और HTTP only true, that is the thing that we had to set from the server. ठीक, अब इन दो चीजों में मैं बार बार वापस आऊंगा। पहले बता रहा हूं काफी कुछ चीजें मैंने स्किप या मिस की हैं, लेकिन ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन, लेकिन मैं लेट मी कंप्लीट द फ्लो फर्स्ट। सो अब हमने क्या करना है जी, अब हम जब भी कुकी में इंफॉर्मेशन सेव है ना, जब भी कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो कुकी साथ जाएगी। यानी अगर हम टू डूज पे जाते हैं ना और इसको हिट करते हैं तो कुकी क्या करेगी, साथ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि एक मिडलवेयर लिखना है, और उस मिडलवेयर का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में एग्जीक्यूट होने वाली लॉजिक। तो जब हम किसी एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो वो एंड पॉइंट रिस्पॉन्स देने से पहले क्या चेक करेगा, यानी वो अभी कुकी नहीं चेक करेगा, हम उसमें लिखेंगे यही, उसमें लॉजिक ये लिखेंगे कि रिस्पॉन्स देने से पहले क्या चेक करो, कुकी, और कुकी से क्या निकालो, और टोकन से क्या निकालो, यूजर, टोकन में यूजर पड़ा हुआ है ना, टोकन से क्या निकालो, और यूजर को क्या करो, वेरीफाई करो बंदा ठीक है या नहीं है। अगर सब कुछ ओके हो जाए फिर वापस रिस्पॉन्स दो,
अदरवाइज नन। सो लेट्स राइट अ मिडलवेयर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हर रिक्वेस्ट के बीच में, हर रिक्वेस्ट में नहीं, जिस रिक्वेस्ट के बीच में, यानी जिसको हम प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे देखे ना, टू डू है तो ये टू डू पब्लिकली बेशक एक्सेस होना, मुझे इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टू डू बाय आईडी भी पब्लिक, ये सेंसिटिव ऑपरेशन है, क्योंकि अनवांटेड बंदा टू डू को अपडेट और डिलीट भी ना करे। तो इन दोनों को, तो इन दोनों के साथ मैं मिडलवेयर लगा दूंगा, बाकियों के साथ मिडलवेयर। तो मिडलवेयर जब मैं लिख लूंगा ना, तो फिर मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि मैं जिस एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा उसके अंदर एक मिडलवेयर लगा दूंगा, वही मिडलवेयर एक दफा लिखूंगा, रीयूज करूंगा सारों के लिए। जिसको प्रोटेक्ट करना हुआ उसे मिडलवेयर दे दूंगा, जिसको प्रोटेक्ट नहीं करना हुआ उसे मिडलवेयर नहीं दूंगा, मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी। सो लेट्स राइट दैट मिडलवेयर। सो यहां पे आए और इसमें हम कहते हैं जी, ऑथ मिडलवेयर कह ले, ऑथ ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है ना, लेकिन ये ऑथ और वो ऑथ मिक्स ना कीजिएगा, एक ऑथ राउट्स भी है, ठीक है, हर उसके साथ लिखा हुआ है पूरा ऑथ राउट्स, ठीक है। सो लेट्स राइट इट विद ऑथ डॉट जेएस। क्वेश्चन मैंने लिखा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इज ऑथराइज्ड, और जाहिर है या ऑथराइज होगा बंदा या नहीं होगा। और इसके साथ आपको पता है कि सर्वर पे जितने भी मिडलवेयर फंक्शन हैं उनके पास रिक्वेस्ट भी होता है, रिस्पांस भी होता है, नेक्स्ट भी होता है। अब यहां पे लॉग में अगर करूं रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, मुझे क्या मिल जाएंगी, कुकीज में मौजूद इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जितनी कुकीज है सारी मिलनी चाहिए, और मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक। ये मेरा मिडलवेयर बन गया, मिडलवेयर फंक्शन ही होता है ना। अब इसको चलाना कहाँ पे है, मैं सपोज करता हूं कि मैं टू डू मिडलवेयर में जाता हूं और यहां पे इंपोर्ट इज ऑथराइज्ड, और इसको यहां नहीं प्रोटेक्ट राउट को करना है ना, ठीक है, तो राउट्स में, और राउट्स में आके आप करें जी इंपोर्ट is authorized, और simply middleware लगाने की जगह यही है ना, image uploading में देखा था ना कि आप कोई भी middleware है। अब इसका मतलब पता है क्या है, post की request आए, sorry, वैसे कहीं भी कर सकते हैं किसी भी request में, मैं सिर्फ get या put या get all to do को protect करता हूँ, कि सिर्फ वो बंदा all to do's को get करेगा जो authorized होगा। अच्छा, अभी ऑथराइज में लॉजिक कोई भी नहीं लिखी मैंने, मैं सिर्फ कंसोल लॉग करके ये चेक कराना चाहता हूँ कि क्या हर रिक्वेस्ट के साथ कुकी आ रही है या नहीं आ रही, जो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दी है कि जब कुकी सेट होगी तो हर रिक्वेस्ट के साथ कुकी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ वो जो मिडलवेयर लिखा आधा, अब रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाएगी ना, पता है क्यों हॉल्ट होगी, जब रिक्वेस्ट आएगी ना टू डूज पे गेट और इधर चली जाएगी, जब इधर चली जाएगी तो इधर आ जाएगी, और इधर आगे कंसोल लॉग आगे कुछ भी नहीं हो रहा, ना नेक्स्ट कर रहा हूँ ना ही रिस्पांस दे रहा हूँ। दो ही हल होते हैं ना रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट करने के, या उसे नेक्स्ट की तरफ भेज दो, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट मिडलवेयर इन द चेन, और अगर नेक्स्ट की तरफ नहीं भेज रहे तो यहाँ से रिस्पॉन्स दे दो। तो इसका मतलब यह है कि जब रिक्वेस्ट इस पे आएगी तो ये इधर चली जाएगी इज ऑथराइज में, इज ऑथराइज में आएगी तो यहाँ लॉक करके यहीं रुक जाएगी, तो फ्रंट एंड पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता लग जाएगा कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज है या रिक्वेस्ट डॉट कुकी है, आई एम नॉट कन्फर्म, ठीक।
सो लेट्स सी नाउ, मैंने मेरी कुकी ऑलरेडी सेट है और वो कैसे पता चलता है ये सेट है। अब मैं करता हूँ जी गेट ऑल टू डूज पे और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट हॉल्ट हो गई है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक दैट, और यहाँ पे आए तो मेरे पास अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये कि एक बात तो तय हो गई कि यहाँ तक कंट्रोल पहुँचा है, दूसरी यह है कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज है या नहीं है। कि बॉडी की इंफॉर्मेशन रीड तब होती थी जब वो क्या होती थी, ग्लोबल मिडलवेयर से गुजर के पार्सिंग होती थी, इस तरह कुकी को भी क्या करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज है या नहीं है, जो कुकी है या कुकीज है, और ये तो आपको पता लग गया ना फ्लो सारा। फिर हम ये देखेंगे कि उस कुकीज में से इंफॉर्मेशन की पार्सिंग जो है वो कैसे करनी, कुकीज ही है, ठीक है। सो एक्सप्रेस में दोबारा जाएं, एक्सप्रेस जेस रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ही है, इसका मतलब वी आर राइट एट दिस पॉइंट। अब हमें एक और चीज क्या करनी है जी, से देखिए ठीक हो गया जी। सो हाउ मच, इसको भी आप करें और इसको भी करें पार्सर और इसको ग्लोबल मिडलवेयर के तौर पे कॉल कर लें लाइक दिस, ठीक। सो आप जाएं अपने ग्लोबल मिडलवेयर में और इंपोर्ट पार्सर फ्रॉम की पार्सर और इसको एज इट इज ग्लोबल मिडलवेयर के तौर पे कॉल कर लें, जैसे हम बॉडी पार्सर कर रहे हैं वैसे ही कुकी पार्सर भी। तो नाउ एवरीथिंग इज सेट, सर्वर इज रनिंग अगेन। अब हम दोबारा जाएंगे तो यहाँ अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए हमारी लॉजिक के मुताबिक। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो इसका मतलब है कि ये साबित हो गया कि हमारी हर रिक्वेस्ट, अगर कुकी हमारी, अगर हमारा टोकन या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कुकी में सेव है वो हर रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाएगी, ठीक। जो कि वो सेट ही किसने की हुई है, सर्वर ने सेट की। तो वैसे अगर आपको पूछे ना कुकी क्या है तो आप कहेंगे स्मॉल टेम्पररी मेमोरी कह लिया, जिस तरह लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज टेम्पररी नहीं है वो तो परमानेंट है, बहरहाल ये भी परमानेंट है, आप इसको खुद क्लियर नहीं करेंगे या तो टाइम एक्सपायरी सेट कर दें उस टाइम के बाद, बहरहाल। तो इसका मतलब आप हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में क्या आ रहा है, टोकन आ रहा है, तो आप क्या ये टोकन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, तो क्या आप इसको यू नहीं कर सकते, या इस तरह किसी को इतराज है, स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट में से, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर रिक्वेस्ट के साथ, अच्छा ये वाला मिडलवेयर और किसी रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा, ये सिर्फ किस पे चलेगा, गेट ऑल टू डूज। तो अब आप समझ गए ना कि जिस रिक्वेस्ट के साथ आप मिडलवेयर अटैच करेंगे वही ऑथेंटिकेट होगी, वही ऑथराइज होगी, ये उसी की ऑथराइजेशन चेक होगी और किसी की चेक नहीं होगी। अब हमारा अगला काम ये है कि हम ये चेक करते हैं कि अगर किसी रिक्वेस्ट के साथ टोकन नहीं है, अगर किसी एंड पॉइंट के साथ ये मिडलवेयर लगा हुआ है लेकिन उस एंड पॉइंट पे जो रिक्वेस्ट आई है उसमें टोकन नहीं है, इफ नॉट टोकन तो क्या करे, रिटर्न कर दे, ठीक। और रिटर्न करने के साथ ही या तो यही रिस्पांस दे दे या नेक्स्ट न्यू एरर यस प्लीज लॉग इन, मे बी वो लॉजिक डिपेंड करता है ना, प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस किसी रिक्वेस्ट के साथ ये मिडलवेयर लगा हुआ है और उस रिक्वेस्ट में टोकन मौजूद, वो अभी तो फ्रंट एंड इंप्लीमेंट नहीं किया ना,
अभी तो हमने सिर्फ मैसेज दिखाना है ना, जब फ्रंट एंड इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां ये लॉजिक करेंगे ना कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी बहस वो नहीं है, अभी बहस ये है कि अगर ऐसा सिनेरियो हो कि किसी एंड पॉइंट को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ हो और उस एंड पॉइंट को बगैर टोकन के हिट कर रहे हो, तो फिर क्या कहे भाईजान, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, कि ये रिसोर्स प्रोटेक्टेड है, आप पहले लॉग इन हो फिर इसको एक्सेस करें। यहां तक बात क्लियर है? और अगर अगर टोकन है तो फिर क्या सबूत है कि सही है या गलत है? मतलब टोकन आ गया तो किसी ने टेम्पर करके तो नहीं भेजा? टेम्पर करने का मतलब टोकन किसी ने चेंज करके, किसी ने मलिशियस प्रैक्टिस, किसी ने, तो यानी यहां तक ये कंफर्म हो गया कि अगर टोकन नहीं है तो ये काम कर दो, मिसाल के तौर पे। अच्छा चलिए वो बाद में लेके। अगर टोकन है लेकिन वो टेम्पर्ड है तो फिर क्या करो? फिर भी तो मसला है ना भाई। तो फिर आप टोकन की टेम्परिंग कैसे चेक करेंगे? अगर टोकन है तो इस टोकन को क्या करेंगे? अनलॉक। अनलॉक किससे करेंगे? की हमारे पास मौजूद है। तो पहले ये देखते हैं कि टोकन आ गया, अब टोकन की वैलिडिटी चेक करनी है, और उसको चेक करने के लिए जैसे साइन का मेथड था ना, वैसे क्या मेथड है? वेरीफाई का मेथड है, ठीक। और वेरीफाई का मेथड दो चीजें लेता है। पहले तो हम इसे यूं करते हैं ना, यूं ट्राई कैच, तो आपको पता ही है, मैं यूं करता हूं जी कि ट्राई कैच में JWT हमें चाहिए होगा तो हमें यहां इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टॉकर। ये आ गया JWT, ये आ गया JWT, ठीक। JWT.verify यहां पे क्या मिलेगा इसे? तो कंफर्म हो गया ना, ये इधर आएगा ही तब जब टोकन होगा, नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब टोकन है हमारे पास इसी नाम से। सीक्रेट की कौन सी है? यस, जो हमने ऑथ में सेट की थी। ये क्या देगा? नहीं, उस पूरे ऑब्जेक्ट में से पहले वेरीफाई करेगा सिग्नेचर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपका यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। जो मेटा डाटा आप इनक्रिप्ट करेंगे वही आपको क्या कर देगा? अच्छा, यूजर की इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये नहीं है कि उसने डीकोड किया है उसको। डीकोड करता तो पूरा कोड शोड सिग्नेचर हेड सारा कुछ करता ना, उसने सिर्फ यानी ये इंफॉर्मेशन देगा तब जब वो कंपैरिजन ओके हो जाएगा, जब टोकन मैच हो जाएगा। अब इस डीकोडेड में क्या पड़ा होगा? अच्छा, वार ना यूज किया करें, ये कौन सा यूज किया? डीकोडेड में क्या आएगा? वो डीकोडेड ऑब्जेक्ट, अदरवाइज क्या आएगा? एरर। तो जब एरर आएगा तो पहले तो इसका मुद्दा मुकाए ना, नेक्स्ट में ई आर आर का मुद्दा हो गया। आपको ये पता है कि हमने अपने ग्लोबल मिडलवेयर में जेसन वेब टोकन के एरर की हैंडलिंग नहीं की, और जब मैंने ये एरर हैंडलर का कोड कॉपी किया था तो उसमें आखिरी दो इफ ब्लॉक्स हटा दिए थे कि जब JWT करेंगे तो तब उसे वापस लेंगे, पता है ना? मे बी कि ये अभी ये वाला एरर शायद ग्लोबल हमारा हैंडलर ना इंटरटेन कर सके, लेकिन हम उसकी तरफ भी वापस आए। फिलहाल लॉजिक हमारी ठीक चल रही है, ठीक है। सो डीकोडेड में क्या आएगा जी? लेट्स सी, हम यहाँ पे इसे लॉग करके देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि डीकोडेड में वो पूरा ऑब्जेक्ट जिसको हमने इनकोड किया था वो आएगा, ठीक। लेट्स सी, अगर हमने सब कुछ ओके दिया हुआ है, गेट ऑल टू डूज पे लगाया हुआ ना मिडलवेयर, तो रिस्पॉन्स तो स्टिल हमारे पास नहीं आएगा, फॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक,
और जब वापस आएंगे तो आपके पास, और इसने दोनों चीजें दे दी, इश्यूड एट और एक्सपायरी। ये टाइम स्टैम्प का पता है ना क्या होता है, ये मिली सेकंड में है। ये बेसिकली अगर आप इस मिली सेकंड को कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉपर टाइम दे देगा, इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ये टोकन क्रिएट हुआ, और इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे क्या हो जाएगा। तो ये IAT और EXP ये उसने साथ दे दिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हमारा सारा का सारा यूजर जो लॉग इन हुआ था वो याद, करेक्ट। अब मुझे ये बताएं कि हम लॉग इन भी हो गए और हमारी ऑथराइजेशन भी सक्सेसफुल हो गई। अब मुझे ये जो इंफॉर्मेशन है ना करंटली लॉग्ड इन यूजर की, ये हर जगह चाहिए होती है। जीमेल पे टॉप पे नहीं राइट क्लिक पे पिक्चर भी सेव होती है, ईमेल भी लिखा होता है, यूजर नेम भी लिखा होता है, सब कुछ इधर मौजूद है ना। तो मुझे ये बताएं कि मेरे पास ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसी कौन सी चीज है कि अगर मैं ये यूजर की इंफॉर्मेशन यानी डीकोडेड की इंफॉर्मेशन, इसको मैं क्या कह देता हूं जी, लेट्स सी डीकोडेड डॉट यूजर, टू दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यूजर चाहिए, ऐसी है ना। तो ऐसी कौन सी जगह है या ऐसी कौन सी चीज है अगर मैं डीकोडेड डॉट यूजर को उसमें डाल दूं तो मुझे पूरी बैकएंड की एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाए। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि पूरी बैकएंड में एक्सेसिबल है। ये तीनों पूरी बैकएंड पे हर जगह जहां चाहिए हमने नहीं उठा लिए, जिस फाइल में चाहिए हमें पता है कि एक्सप्रेस में हर जगह ये तीनों वेरिएबल मौजूद होते हैं, नहीं होते तो क्यों नहीं पता। तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन बैकएंड में हर जगह चाहिए तो मैं इस इंफॉर्मेशन को कहाँ डाल दूं, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। तो क्या आपको नहीं पता कि एक ऑब्जेक्ट में एडिशनल प्रॉपर्टीज असाइन की जा सकती हैं, पता है ना, कसम चाहो पता है, पता है ना भाई, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं भाई। रिक्वेस्ट जो ऊपर ऑब्जेक्ट है डॉट, उसमें यूजर की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाओ, पहले नहीं होगी और उसमें असाइन कर दो। मतलब क्या हुआ कि जो यूजर ऑथेंटिक लॉगिन हो सारा कुछ चेक करो और फिर उस यूजर को उठा के किधर डाल दो, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में, किस प्रॉपर्टी के साथ, यूजर की प्रॉपर्टी के साथ। अब जहां जहां रिक्वेस्ट है उधर उधर ही जा रहा है, मजा नहीं आया। रिक्वेस्ट हमारी अब भी हॉल्ट रहेगी, रिक्वेस्ट हमारी अब भी हॉल्ट रहेगी, क्योंकि रिक्वेस्ट साइकिल के लिए रिस्पांस का होना, तो जब ये सब कुछ हो जाए तो यहां पे क्या कर दो, और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमने रिस्पांस नहीं सेंड करना तो फिर क्या करना है। और इस नेक्स्ट का मतलब पता है क्या है, कि ये फंक्शन कॉल हुआ था जनाबे मन, सॉरी राउट्स, यहां से कॉल हुआ था ना, तो मैंने कहा जब भी टूडूज पे रिक्वेस्ट आए तो पहले इधर चले जाओ, इधर आके ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करो, इधर गया, ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करो, जब एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट का मतलब क्या है, आगे जाने दो, और अगर वो नहीं होगा तो यहां से ही मुड़ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यानी तो गेट ऑल टूडूज कब गेट होंगे, जब यूजर लॉग इन होगा और ऑथराइज भी होगा, और अगर नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा। समझ आ गई बात। अब हम जरा देखते हैं एक्सेस करके टू डूज में, और टू डूज गेट हो गया, रिक्वेस्ट में टोकन भी। अब हमने एक और एंड पॉइंट में लिखना है साइन आउट करने का। अगर मैं ये टोकन यहां से डिलीट कर दूं, लेट मी डू दैट, पता नहीं डिलीट कहां से होता है टोकन, ये भी एक फ्लैग है, इसको भी सेट किया जा सकता है, जैसे HTTP ओनली ट्रू, नहीं मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको भी सेट किया जा सकता है, ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है बैकएंड से। मैं कुकी को ना
डिलीट कर रहा हूँ और फिर गेट ऑल टू डूज करूंगा तो मुझे क्या एरर देगा, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, सो लेट मी डिलीट द कुकी फर्स्ट। डिलीट कहाँ से होगी कुकी भाई, ये कुकी, कुकी ठीक, अब मेरी कुकी नहीं है तो अब ठीक, और अब मैं दोबारा लॉगिन होता हूं, लॉगिन हो गया, कुकी सेट हो गई और अब ये नहीं देगा, ठीक, दोबारा कुकी को क्लियर करें, दोबारा गेट ऑल टू डूज करें, ठीक, नो ब्रेकेज नथिंग, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव, अच्छा इसको अब बाकी कोई चीज चेक ही नहीं करेगी इसको, क्यों, क्योंकि मैंने मिडलवेयर किसके साथ अटैच किया हुआ है, गेट ऑल टू डूज, तो अटैच सेंसिटिव पार्ट के साथ होना चाहिए, अपडेट टू डू एंड डिलीट टू डू। अब आखिरी बात रह गई रोल असाइनमेंट, किस किस को क्या क्या इजाजत देनी है, यानी ऑथराइजेशन हो गई है, अब तीन चीजें हो गई ना, ऑथेंटिकेशन हो गई, ऑथराइजेशन हो गई, रोल असाइनमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे यूजर में हमने एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कराना है, उसमें लिखा होगा रोल, कुछ यूजर होंगे एडमिन, कुछ यूजर होंगे टीचर, कुछ यूजर होंगे स्टूडेंट, कुछ यूजर होंगे एबीसी एक्सवाईजेड, कुछ भी, कौन से रिसोर्स को सिर्फ स्टूडेंट एक्सेस कर सके, कौन से रिसोर्स को सिर्फ टीचर एक्सेस कर सके, कौन कौन से रिसोर्स को एडमिन एक्सेस कर सके, दैट इज कॉल्ड एज रोल असाइनमेंट, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स प्रोबेबली टुमारो इंशाल्लाह, ठीक, लेकिन ये चीज आपको पूरी डेप्थ, अच्छा ये कंप्लीट नहीं हुई, ऑथराइजेशन में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी है, मैंने आपको कहा ना, मैंने एक्सपायरी का जिक्र किया, ना मैंने एक्सपायर करके दिखाया, ना मैंने सजे खबे कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बेयर सिंपल है, और उसके बाद एडवांस ऑथराइजेशन में वो रिफ्रेशमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, टोकन रिफ्रेश करने का भी, वो हम तो नहीं